हमने यहाँ पे अपना सीएसपी का जो पोर्टल है, सेंट्रल बैंक का सीएसपी का पोर्टल है, वो पहले से ही ओपन करके रखा हुआ है। और इसमें एक सर्विस है, इसका नाम है जीवन प्रमाण पत्र, जीवन प्रमाण पेंशनल डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पोर्टल। तो मुझे समझ में ये नहीं आता है कि इसको यहाँ पे क्यों ऐड किया गया है, क्योंकि ये अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये चलती है हमें किसी दूसरे वेबसाइट पर ले जाती है, जो कि जीवन प्रमाण पत्र का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर ले जाती है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे हमें क्यों ऐड किया गया है, क्योंकि हम इसको बाहर से भी ऐसे, मतलब इस तरह देखिए, हम गूगल भी करके इसको यहाँ पे जीवन प्रमाण पत्र, देखिए जीवन प्रमाण पत्र यहाँ पे हम इसको गूगल करके भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसी वेबसाइट पे आएंगे, तो मेरा कहने का सिर्फ मायना ये है कि हम इसको यहाँ पे क्यों ऐड किए हुए हैं। ये जो सेंट्रल बैंक का सीएसपी है, यहाँ पे इसको ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर इसको यहाँ पे ऐड किया गया है तो यहीं पे ये सर्विस ओपन होनी चाहिए थी। ये जो पूरा खाली प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे इस सर्विस को ऐड होना चाहिए था और यहीं पे ये सर्विस चलती तो हम मानते कि हाँ, हमारे सीएसपी के अंदर ये सर्विस है। लेकिन ये सीएसपी के अंदर नहीं है, ये थर्ड पार्टी वेबसाइट के ज़रिए इसको होस्टिंग किया जा रहा है। और मतलब इसका यहाँ पे देने का कोई मतलब नहीं है। मैं बस वीडियो में इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर जीवन प्रमाण पत्र हम यहाँ बाहर से करेंगे, यहाँ पे अगर हम डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है, फिर उसके बाद हम जीवन प्रमाण पत्र का पेंशनर जो होते हैं उनका केवाईसी करेंगे, तो इससे अच्छा है कि हम यहाँ सीएससी में, जो अगर आपके पास सीएससी है तो सीएससी से आप कर सकते हैं, यहाँ पे इसके अंदर ही हम करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हम करेंगे तो ये सर्विस सही है कि हम, देखिए यहाँ पे हमारा सीएससी लॉगिन हो, यहाँ पे हम जीवन प्रमाण पत्र पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमारा इसके अंदर ही ये सब चलेगा सर्विस, ये बाहर किसी थर्ड पार्टी, जैसे यहाँ पे थर्ड पार्टी वाले एप्लीकेशन पे नहीं जाएगा, इस वेबसाइट पे नहीं जाएगा। ये देखिए यहाँ पे सीएससी का अच्छा सा बैनर आ रहा है और इसके अंदर ही ये सारी सर्विस यहीं पे हो जाएगी। तो यहाँ पे देने का कोई मतलब नहीं था, ये सेंट्रल बैंक की सर्विस, यहाँ पे इसको जीवन प्रमाण पत्र देने का कोई मतलब नहीं है, ये बस यहाँ पे सर्विस ऐड हो गया है, लेकिन ये काम तो कहीं और ही थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाके कर रहा है। तो बस यही था वीडियो में कि इसको यहाँ पे ऐड नहीं करना चाहिए था। अगर आपको चाहिए कि जीवन प्रमाण पत्र कैसे बनाते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो बना दूंगा कि अगर आप सिटीजन हैं, आपके पास सीएससी आईडी नहीं है, अगर आपके पास सीएसपी की आईडी नहीं है, तो आप कैसे बनाएंगे, तो उसके बारे में मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। और यहाँ पे डिजिटल मतलब सीएससी से भी इसका जीवन प्रमाण पत्र कैसे भरते हैं, इसको भी मैं एक वीडियो में बना दूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। तो इस तरह हम यहाँ पे देखेंगे जीवन प्रमाण पत्र पेंशनर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पोर्टल के बारे में। कोई खास जानकारी नहीं है, बस ये सिंपल सा थोड़ा सा जानकारी था, थोड़ी सी न्यूज़ थी इसके बारे में कि हमें सेंट्रल बैंक की जो सीएसपी है उसको चाहिए और बढ़िया से इसको इस सर्विस को और अच्छा से बनाया जाए और बेहतर से बेहतर सर्विस हमें प्रोवाइड किया जाए। जैसे कि अकाउंट से हम यहाँ पे बैलेंस चेक करें या जो भी हो, जैसे स्टेट बैंक में होता है, यहाँ पे हमें कोई सर्विस दी ही नहीं जाती है। वैसे जितना यहाँ पे सर्विस है, ये सारी सर्विस आप बाहर किसी भी पोर्टल से कोई नॉर्मल स्पाइस का या फिर फिनो बैंक का भी ले लेंगे तो भी हम मिनी स्टेटमेंट उससे भी चेक कर सकते हैं, इस बैंक का आधार कार्ड डाल के। तो हमें सीएसपी लेने से क्या फ़ायदा है, ये बस हम लोगों को मतलब क्या बताए यार, सेंट्रल बैंक की सीएसपी हमें कुछ खास नहीं लगता है, इसमें कोई भी सर्विस अच्छे से ऐड नहीं होती है और ये बहुत ही पहले से ही चल रहा है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि ये मतलब वेब पोर्टल जो आया है, तब से इसमें थोड़ा बहुत सर्विस ऐड भी हुआ है। अगर आप गनसेवा को ओपन करेंगे तो वहाँ पे जो पहले था आज भी वही है, मतलब वो बाबा आदम जमाने का था गनसेवा, और उसमें जो सर्विस थी वही पुराने वाली थी और अभी भी वही सर्विस चल रही है और उसमें कोई नया प्रोग्रेस नहीं हुआ है, नहीं कोई नया अपडेट आया हुआ है। तो सेंट्रल बैंक को चाहिए कि इसमें थोड़ा सा मतलब चेंज किया जाए और बहुत सारी सर्विस यहाँ पे ऐड किया जाए, और जो
मतलब मैं एक वीडियो भी बताया था कि यहाँ पे एक सर्विस भी आई थी, वो भी हटा दिया गया है। पता नहीं क्या चलता है यार, कुछ समझ में नहीं आता है। तो बस वीडियो में इतना ही था, और आगे हम अगर नेक्स्ट वाला वीडियो जो लाएंगे वो हमारा वीडियो होगा यहाँ पे APY पे, APY यानी कि अटल पेंशन योजना के बारे में फुल डिटेल एक वीडियो होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।